to our YouTube channel which is Poonam and Dhruv Entertainment. तो अभी ध्रुव ट्यूशन से आगे आए तो बोल रहा है कि मेरे को कुछ खाना है. तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता, कुछ भी बना के दो. तो भाई कुछ भी तो अभी घर में इतना अवेलेबल है नहीं, ब्रेड भी ख़त्म है. तो मैं उसके लिए क्विकली बना रही हूँ रोटी सैंडविच. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रोटी सैंडविच कैसे बनाती हूँ. सबसे पहले मैं गैस ऑन कर दूँगी और ये मैं ध्रुव के लिए सुबह कुछ पराठे बना के गई थी, ये दो पराठे ले लूँगी. मैं इस पर थोड़ी सी लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस. इसे हम टोस्ट भी बोल सकते हैं. पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी हल्की सी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी. और ये जो मेरे पास सुबह की आलू मटर की सब्जी है ना, ये देखिए, इसको मैं इसमें मटर का ये चीज़, अब मैं इसको ना ये फोक से ऐसे मैश कर लूँगा. ये आज मैं उसको कुछ नया खिला रही हूँ, अब पता नहीं भाई पसंद करेगा कि नहीं करेगा. तो अभी कुछ नया उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, अब देखते हैं कैसा लगता है उसको. ये कर लिया मैश, अब मैं ये रोटी पे इसको स्प्रेड कर दूँगी. थोड़ा मैं ले रही हूँ उसके लिए पनीर. और इसको मैं इस पे ब्रेक कर दूंगी. ठीक है, और थोड़ा मैं लूंगी बटर. इसको भी मैं कर दूंगी ग्रेट. और अब हम इसको रख देंगे तवे पे. पहले हम दोनों तरफ बटर लगा लेंगे, फिर इसको अच्छे से हम सेकेंगे. तो इसको हम एकदम क्रिस्पी कर लेंगे. तो ये ऑलमोस्ट हो गया है क्रिस्पी, तो मैं इसको प्लेट में डालूंगी और गैस कर दूंगी सिम. और इसको मैं ऐसे कट कर दूंगी. तो ये देखिए, तो अब चल के ध्रुव को टेस्ट कराते हैं. अब वो टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है. ध्रुव खाते रहे, हैंड वॉश करो पहले. तो ध्रुव टेस्ट करके बताएगा कैसा बना है. इसको ऐसे पकड़ के उठा के सैंडविच की तरह खाओ, उधर से खाओ. खा के तो देखो भाई, पनीर वगैरह सब है. सच में फर्स्ट टाइम खाया ना आपने ऐसे. तो फिर अभी ये बना दिया करूँ आपके लिए है? और ये इधर हमारा भूखड़ लड़का भी देख रहा है कि मम्मी ध्रुव के लिए क्या लाई है.
सच में अच्छा ही है, अमी बोल रहा है बना दो फिर वन मोर। चलो तो उसको उसमें पिज्जा का टेस्ट आ गया है। फाइनली कुछ तो पसंद आया लड़के को। तो गाइज, अगर बच्चे ये सब सिंपल रोटी सब्जी ना खाए तो आप थोड़ा सा उनको वेरिएशन में लाइए तो बच्चे इसे जरूर खाएंगे। इसका एग्जांपल मैंने आज देखा है। एक्चुअली में मैं भी आप लोगों की तरह वीडियोस देखती थी, तो मैं भी देखती थी कि भाई लोग बच्चों को किस तरीके से खिलाने की कोशिश करते हैं, कैसे वेरिएशन लाते हैं। बट आज मैंने बिल्कुल भी ये चीज़ प्लान नहीं की थी, बट एकदम क्विकली मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई तो मैंने फटक से बनाया। इनफैक्ट आप ये लगाइए कि मैं बस आके अभी कहीं से खड़ी हुई थी तो इतने में ध्रुव ने बोला कि मुझे भूख लग रही है, और सुबह मैं उसके लिए रोटी बना के गई थी। उसने एक दो रोटी खाई होगी, फिर उसको नहीं अच्छी लगी होगी, सिंपल आलू मटर की सब्जी। तो उस आलू मटर की सब्जी के साथ मैंने थोड़ा सा चीज़ और बटर डाल के उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, बट आई एम सरप्राइज्ड कि उसको पसंद आया वो चीज़। तो ऐसे ही अगर आपका बच्चा नहीं खाता तो आप सिंपल चीज़ों में थोड़ा सा उनका फेवरेट चीज़ बटर या पनीर वगैरह डाल के आप उनको खिलाने की कोशिश करिए, तो इससे बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका बच्चा कैसे खाता है। और प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अभी 1000 होने में सिर्फ थोड़े से बाकी है, तो आप जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय एंड डोंट मिस माय अदर वीडियो। बाय।